2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लगातार अलग अलग शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव राजगढ़ पहुंचे। मुरलीधर राव के दौरे की तैयारियों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर को बैनर और पोस्टरों से सजा दिया था। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव नाराज हो गए और बैठक में श्री राव ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस तरह से यहाँ मेरे आगमन से पहले पोस्टर लगाए गए हैं, उनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है और न ही किसी तरह के फोन से कुछ होगा। आपको खुद जनता के बीच जाना होगा। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने मजाकिया लहजे में कहा कि जो पोस्टर अभी लगे हैं उनमें 10-10 सिर लगे हुए हैं, ना तो उन्हें मैं देख पा रहा हूँ, ना ही कोई और इसमें इंटरेस्टेड है। सिर्फ जिसका फोटो लगा है वही देखकर खुश होता है। फोटो भी पोस्टर में जिस तरीके से लगा रखे हैं उसमें दशारण की तरह सब नजर आ रहे हैं। मुरलीधर राव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मेरी सूरत ऐसी भी नहीं है जैसे पोस्टर लगे हुए हैं, ना ही मैंने कोई मॉडल की तरह फोटो खिंचवाई है, इसीलिए पोस्टर वार छोड़ें और हितग्राहियों के बीच जाएं, कार्यकर्ताओं को जोड़े, भाजपा के संगठन को बढ़ाने के लिए काम करें। वहीं बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के सामने अपेक्षित नेताओं और कार्यकर्ताओं का दर्द छलका। राजगढ़ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि मैं 10 लोगों को जोड़ता हूं, 25 लोग भाग जाते हैं। पार्टी नेताओं को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। ये कार्यकर्ताओं को खाना परोसते रूस को प्रधानमंत्री बनाया, तो पार्टी में मैं कह रहा हूँ राजगढ़ का सीट उसको मिलेगा जो खाना परोसने में, जो सेवा करने में, जो घर घर जाने में आगे रहेगा, जिसका बार बार ये करते हुए फोटो मिलेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा, तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। अभी यहां से चले जाओ, कोई डाउट नहीं करना, दाएं बाएं मत देखो। अरे मुरली जी ने ऐसे ही बोला, या तो बोला जाता है बोलने के लिए, ऐसा मत करो। आपको भी लगना है तो लग जाओ, और लगना है तो कहां लगना, मेरे आगे पीछे मत लगना, वहां फोटो जो है ना सेवा करते हुए। अब ये सेवा करने वाले काम में लग जाओ तो लाइन में अपने आप दिल्ली में टिकल जाओगे, दिल्ली के लाइन में। और राजगढ़ में यही होने वाला है, और ये कहने के लिए मैं स्पेशली आया हूं। और हमारे पार्टी में राजशाही नहीं चलेगी, और हमारे पार्टी में गणपति शाही भी नहीं चलेगी, ठीक है ना? ना गणपति शाही, ना राजशाही, हमारे पास सेवा शाही चलेगी। इसलिए, और मैं प्रभारी के नाते, मैं कोई इधर उधर हूं पूछ के नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधा बोल रहा हूं, मैं प्रभारी के नाते बोल रहा हूं। इधर क्यों देख रहे हैं आप लोग? चाहे इधर चाहे उधर, एक ही रास्ता। इसलिए भाइयों, मेरा जो कहना है, अब मुझे राजगढ़ नहीं, राजगढ़ के पांचों पांच शत प्रतिशत भाजपा गढ़ बनाना है, और मुझे कांग्रेस को जैसे होता है ना पैकर्स वाला।